गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई गुंजनकर गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास 7 चैप्टर व्हेन हिटलर स्टोल पिंक रैबिट। चिल्ड्रन, दिस इज यूनिट 6 सेक्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस दिस चैप्टर व्हेन हिटलर स्टोल पिंक रैबिट। चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको टाइटल से ये तो पता ही चल रहा होगा कि व्हेन हिटलर स्टोल पिंक रैबिट, कि हिटलर ने जब पिंक रैबिट चुरा लिया। यहाँ पे जो बच्चों हिटलर है, हिटलर का मीन्स है एक ऐसा रूलर हु रूल्ड हिज पीपल फोर्सफुली, यानी जो अपने लोगों पर फोर्सफुली शासन करता है और थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा क्रूअल भी होते हैं, तो उसे हिटलर बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर व्हेन हिटलर स्टोल पिंक रैबिट। डू यू थिंक इट इज राइट टू डिसलाइक समवन बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और हाउ दे लुक। तो यहाँ पे आपको राइटर बता रहा है कि क्या आपको ये सही लगता है कि अगर कोई आपको डिसलाइक करता है किसकी वजह से, आपके रिलीजन यानी आपके धर्म की वजह से, और हाउ दे लुक, और तुम्हारे जैसा तुम्हारा अपीयरेंस होता है उसके लिए अगर आपको कोई डिसलाइक करे, तो नॉर्मल सी बात है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। नाउ रीड दिस स्टोरी अबाउट पीपल हु हैड टू लीव देयर होम्स बिकॉज द लीडर ऑफ देयर कंट्री हेट द पीपल ऑफ देयर रिलीजन। तो यहाँ पे एक ऐसी स्टोरी है कि एक फैमिली है जिसको अपना घर छोड़ना पड़ा, किसकी वजह से, क्योंकि जो उनका लीडर था वो उनको और उनके रिलीजन को पसंद नहीं करता था। ओके, नाउ द कर्स वर ज्यूज। यहाँ पे कर्स एक फैमिली है और उनका रिलीजन जो है ज्यूज है वो, एंड हिटलर डिड नॉट लाइक ज्यूज, और जो वहां पे हिटलर है वो ज्यूज को लाइक नहीं करता। मोर ओवर जुडिथ फैमिली फादर वॉज ए राइटर, और जबकि जो जुडिथ है एक बच्चा, उसके जो फादर है वो राइटर है, एंड ही हैड ओपनली क्रिटिसाइज हिटलर एंड हिज पॉलिसीज ड्यूरिंग द टाइम ही वॉज कमिंग टू पावर। और जो उसके फादर हैं, जुडिथ के जो फादर हैं, वो ओपनली क्रिटिसाइज यानी आलोचना करते थे हिटलर की और उसकी पॉलिसीज की, जबकि उन्हें पता था कि वो ऐसा टाइम था कि जब हिटलर जो है वो पूरा पावर में आने वाला था। हिज फ्रेंड्स वॉर्न्ड हिम दैट ही वुड बी कॉट एंड टॉर्चर्ड, सो ही एस्केप्ड इन द निक ऑफ टाइम टू फ्रांस एंड देन टू इंग्लैंड। तो जो जुडिथ होता है, उसके फादर के जो फ्रेंड्स होते हैं, वो उसको वॉर्न करते हैं कि तुम क्या होगा, हिटलर क्या करेगा, तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हें टॉर्चर करेगा, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें इस कंट्री को छोड़ के फ्रांस से और फिर इंग्लैंड चले जाना चाहिए। जुडिथ फैमिली हैड फर्स्ट डिसाइड टू स्टे ओन इन जर्मनी एंड सी इफ हिटलर कम टू पावर। तो जुडिथ की फैमिली ने ये पहले ये डिसाइड किया कि वो जर्मनी में ही रहेंगे और ये देखेंगे कि हिटलर जो है वो पावर में आता भी है या नहीं। हाउएवर डे बाय डे इट बिकेम क्लियरर दैट दे वुड बी परसिक्यूटेड, और जबकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, डे बाय डे उन्हें ये क्लियर होता गया कि उनके फादर जो उसे क्रिटिसाइज करते हैं हिटलर को, उसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट दिया जा सकता है या उन्हें मारा जा सकता है। सो दे लेफ्ट सीक्रेटली एंड इन ए ग्रेट हरी, तो वो सीक्रेटली और जल्दी से ही वो कंट्री छोड़ देते हैं। एना कुड कैरी ओनली वन ऑफ हर टॉयज। एना क्या है, एक छोटी बच्ची है उस फैमिली में, तो वो जो एना होती है वो जब अपना घर छोड़ती है वो केवल अपना एक टॉय लेती है। हर बिलव टॉय पिंक रैबिट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और एक जो उसका टॉय था जो उसे बहुत पसंद था पिंक रैबिट, वो वहीं पे रह जाता है। एंड फोर इयर्स सी बिलीव दैट हिटलर हैड स्टोलन हर पिंक रैबिट, और बहुत सालों तक वो यही सोचती रहती है कि जो हिटलर है यानी जो नाजीज है, उसने हिटलर ने क्या किया है, उसका पिंक रैबिट को स्टोल कर लिया है, मतलब चुरा लिया है। ओके स्टूडेंट, देखिए व्हाट इज इट, आर वी गोइंग टू मिस स्कूल, मैक्स अपीयर्ड होपफुली ऑन द लैंडिंग। ये क्या है, क्या आज हम अपना स्कूल मिस कर देंगे। मैक्स जो है होपफुली जब लैंडिंग होती है उनकी, तब वो ये होपफुली सोचता है कि आज तो हम अपना स्कूल मिस कर देंगे। देन मम्मा केम आउट ऑफ हर रूम, तो तभी उनकी मदर जो है रूम से बाहर आती है। शी वॉज स्टिल इन हर ड्रेसिंग गाउन एंड लुक टायर्ड, और उस समय उसकी मदर जो है बहुत ही टायर्ड लग रही थी और वो अपने ड्रेसिंग गाउन में थी। देयर इज नो नीड टू गेट टेरिबली एक्साइटेड, सी सेड, और उनकी मदर बोलती है कि देख की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इतनी टेरिबली तरीके से एक्साइटेड होने की। बट देर आर सम थिंग्स आई मस्ट टेल यू, फिर भी बताती है कि कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें क्लियर करूंगी। हैम्पी शैल वी हैव सम कॉफी, हैम्पी बच्चों यहाँ पे उनकी एक मेड का नाम है हैम्पी, और उसकी मदर हैम्पी से बोलती है कि क्या मुझे कॉफी मिलेगी। एंड आई एक्सपेक्ट द चिल्ड्रन कुड ईट सम मोर ब्रेकफास्ट, और वो बोलती है कि बच्चों के लिए वो एक्सपेक्ट कर रही है कि वो ब्रेकफास्ट भी लाएगी। वंस दे वर ऑल सेटल्ड इन हैम्पीज पैंट्री विद कॉफी एंड रोल्स, Anna felt much better and was even able to calculate that she would miss the geography lesson at school which she particularly disliked. एक बार जब वो बच्चे में पेंट्री एक ऐसा रूम है जहां पर हमारे मोस्टली जो हमारे यूजलेस सामान होते हैं इस तरह के कुछ रखे रहते हैं, एक बार भी वहां पे सेटल्ड हो जाते हैं, मतलब उस रूम में होते हैं, वो कॉफी और रोल्स भी देती है उन्हें, तो एना अब
अच्छा सा फील करती है, और वो ये जान कैलकुलेट करना यहाँ पर है कि वो ये सोचती है कि अब तो वो अपना ज्योग्राफी का लेसन स्कूल में मिस कर देगी, और क्योंकि उसे ज्योग्राफी का लेसन पसंद भी नहीं था। इट्स क्वाइट सिंपल सेड मम्मा, पापा थिंक्स हिटलर एंड नाजीज माइट विन द इलेक्शंस। अब उसकी मदर बोलती है कि ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि उनके पापा सोचते हैं कि हिटलर और नाजी जो हैं वो इलेक्शन को विन कर जाएंगे। इफ दैट हैपन वी वुड नॉट वॉन्ट टू लिव इन जर्मनी, और अगर ऐसा होता है तो फिर हम जर्मनी में नहीं रहना चाहेंगे। वाइल देवर इन पावर एंड नोर वुड एनी ऑफ अस, तो वो बोल रहा है कि केवल उसके फादर ही नहीं बल्कि तुम उन सबको भी जर्मनी को छोड़ना पड़ेगा अगर क्या होता है इफ नाजीज विन द इलेक्शंस, बिकॉज वी आर ज्यूज, आस्क एना। अब एना अपनी मदर से पूछती है कि क्या हमें जर्मनी इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम ज्यूज हैं। नॉट ओनली बिकॉज वी आर ज्यूज, पापा थिंक्स नो वन वुड बी अलाउड टू से व्हाट दे थॉट एनी मोर एंड ही वुडंट बी एबल टू राइट। तो उसकी मदर बोलती है कि केवल इसलिए नहीं कि हम ज्यूज हैं, वो बोलती है तुम्हारे पापा को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे नाजीज जीत जाते हैं तो किसी भी इंसान को यहाँ पे क्या होगा, अपनी बात कहने का, अपने विचारों को रखने का के लिए आप अलाउड नहीं करेंगे नाजीज, और क्या होगा, ही वुडंट बी एबल टू राइट, और ना ही वो लिख सकेंगे क्योंकि वो तो एक राइटर थे। द नाजीज डोंट लाइक पीपल टू डिसएग्री विद देम, क्योंकि नाजीज को वो लोग पसंद नहीं है जो उनको उनसे असहमत हों, ठीक है, डिसएग्री करें उनसे। मम्मा ड्रैंक सम ऑफ हर कॉफी एंड लुक मोर चीयरफुल, अब उसकी मदर जब कॉफी पीती है वो थोड़ी अब टायर्ड नहीं लग रही थी। ऑफ कोर्स इट मे नेवर हैपन एंड इफ इट डिड इट प्रोबेबली वुडंट लास्ट फॉर लॉन्ग, मे बी 6 months और सो, बट एट दैट मोमेंट वी जस्ट डोंट नो। तो उसकी मदर बोलती है कि ऑफ कोर्स इट मे नेवर हैपन कि ऐसा ना हो, एंड इफ इट डिड बी प्रोबेबली वुडंट लास्ट फॉर लास्ट लॉन्ग, यानी इस बात को जानने में अब ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 6 months में हमें ये पता चल जाएगा, बट एट द मोमेंट वी जस्ट डोंट नो, लेकिन अभी हमें कुछ भी नहीं पता। बट वाई डिड पापा लीव सो सडनली, आस्क मैक्स। मैक्स अपनी मदर से पूछता है लेकिन जो हमारे पापा हैं वो इतनी जल्दी क्यों चले गए, उसके पापा जब तक जर्मनी छोड़ चुके होते हैं। बिकॉज यस्टरडे समवन रैंक हिम अप एंड वॉर्न्ड हिम दैट दे माइट बी गोइंग टू टेक अवे हिज पासपोर्ट, उसकी मदर बताती है कि कल क्या हुआ था, कल किसी ने उन्हें इन्फॉर्म किया था और उन्हें वॉर्न कर किया था कि ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ की पुलिस है वो आपका पासपोर्ट ले ले। सो आई पैक्ड हिम इन हिम अ स्मॉल सूटकेस एंड ही कॉट द नाइट ट्रेन टू प्रेग, दैट्स क्विकली वे आउट ऑफ जर्मनी। इसलिए उसकी मदर बोलती है कि मैंने उनका एक छोटा सा सूटकेस पैक किया और उन्होंने नाइट की ट्रेन ली प्रेग के लिए, प्रेग यहाँ पे एक प्लेस का नेम है, प्रेग के लिए, और यही क्विकेस्ट वे था जर्मनी को छोड़ देने का, उसकी मदर अपने बच्चों को बताती है। हु कुड टेक अवे हिज पासपोर्ट, द पुलिस, देर आर क्वाइट ए फ्यू नाजीज इन द पुलिस। अब वो एना अपनी मदर से पूछती है कि उनका पासपोर्ट कौन ले लेगा, उसकी मदर बताती है दी पुलिस, देर आर क्वाइट ए फ्यू नाजीज इन द पुलिस, क्योंकि कुछ लोग पुलिस में है जो नाजीज है। एंड हु रैंग हिम अप टू वॉर्न हिम, और फिर एना पूछती है कि किसने उन्हें वॉर्न किया, किसने उन्हें इन्फॉर्म किया कि तुम्हारा पासपोर्ट ले लेंगे। मम्मा स्माइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अब उसकी मदर स्माइल करती है फर्स्ट टाइम, अनदर पुलिसमैन की, एक दूसरे पुलिसमैन ने, वन पापा हैड नेवर मेट, जिससे तुम्हारे पापा कभी भी नहीं मिले, बट हु हैड रीड दिस बुक एंड लाइक देम, क्योंकि वो जो पुलिस जिसने उसे इन्फॉर्म किया था, जो पुलिसमैन था, वो तुम्हारे फादर जो है, एना के जो फादर है, उनकी बुक रीड करता था और उन्हें पसंद करता था। इट टुक एना एंड मैक्स सम टाइम टू डाइजेस्ट ऑल दीज, क्योंकि एना और मैक्स छोटे बच्चे थे तो उन्हें ये सब कुछ समझने में थोड़ा टाइम लगता है। देन मैक्स सेड बट व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ, फिर मैक्स पूछता है अपनी मदर से लेकिन अब क्या होगा। वेल सेड मम्मा, इट्स ओनली अबाउट 10 days अंटिल द इलेक्शंस, अब वो उनकी मम्मा बताती है ठीक है अब केवल 10 days ही बचे हैं, ईदर द नाजीज लॉस इन विच केस पापा कम्स बैक, अगर नाजीज हार जाते हैं तो तुम्हारे जो फादर हैं उन बच्चों को बताती है वो वापस आ जाएंगे, और दे विन, और अगर वे जीत जाते हैं, इन विच केस वी ज्वाइन हिम, हम उन्हें वहीं पे ज्वाइन करेंगे। इन प्रेग, आस्क मैक्स, मैक्स पूछता है कि प्रेग, उसके पापा प्रेग गए थे तो प्रेग में, नो प्रोबेबली इन स्विट्जरलैंड, तो उनकी मदर बोलती कि नहीं नहीं स्विट्जरलैंड में, दे स्पीक जर्मन देयर, पापा वुड बी एबल टू राइट, वी हैड प्रोबेबली रेंट ए लिटिल हाउस एंड स्टे देयर अंटिल ऑल दिस हैज ब्लोन ओवर, वो बोलती है कि वो कहता है कि उसके फादर जो है जर्मनी बोलेंगे और उसके पापा जर्मनी में अच्छे से लिख भी पाएंगे, और उसकी मदर बताती है कि वहां पे हम रेंट में एक छोटा सा घर ले लेंगे और वहीं पे रहेंगे जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। हैम्पी टू, आस्क एना, एना पूछती है कि हैम्पी भी हमारे साथ चलेगी, हैम्पी टू, उसकी मदर बताती है हाँ हैम्पी भी चलेगी। इट्स साउंड क्वाइट एक्साइटिंग,
Anna was beginning to imagine a house in the mountains, goats, or was it cows? When Mama said, "There is one thing more," her voice is very serious. अब वो बड़ी exciting से sound करती है और Anna imagine करती है कि mountain पे एक छोटा सा घर है, वहाँ पे goats भी हैं, cows भी हैं. तभी उसके मम्मा बोलते हैं, "There is nothing, one thing more," एक चीज और है. अब उसकी मदर जो है वो थोड़ी सीरियस थी, अब कोई सीरियस बात उन्हें बताने वाली थी. This is the most important thing of all, said Mama, and we need you to help us with it. अब उसकी मदर बताती है कि मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ और तुम्हें मेरी इसमें हेल्प करनी पड़ेगी. पापा डज नॉट वॉन्ट एनी वन टू नो दैट ही हैज लेफ्ट जर्मनी, कि उनके पापा नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि उनके फादर ने जर्मनी छोड़ दिया है. सो यू मस्ट नॉट टेल एनी वन इफ एनी वन आस्क यू अबाउट हिम, यू मस्ट से दैट ही इज स्टिल इन बेड विद फ्लू. तो उसकी मदर बताती है, तुम ये किसी को भी नहीं बताओगे कि तुम्हारे फादर जर्मनी छोड़ चुके हैं, और अगर उनके बारे में तुम्हारे से कोई पूछता है तो तुम बताना कि वो बेड रेस्ट पे है, उन्हें फ्लू हुआ है. कांट आई इवन टेल गंथर, आस्क मैक्स. मैक्स बोलता है कि क्या मैं गंथर को भी मत बताऊं? नॉट गंथर, नॉट एल्सबेथ, नॉट एनीवन. उसकी मदर बताती है कि किसी को भी मत बताना. ऑल राइट, सेड मैक्स, बट इट वॉन्ट बी इजी, पीपल आर ऑलवेज आस्किंग आफ्टर देम. तो मैक्स बोलता है ये इजी नहीं होगा क्योंकि हमेशा लोग उसके फादर के बारे में उससे पूछते रहते हैं. लुक, सेड मम्मा, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू ऑल टू यू एज वेल एज आई कैन, बट यू आर बोथ स्टिल चिल्ड्रन, यू कांट अंडरस्टैंड एवरीथिंग. उसकी मदर बताती है कि मैंने तुम्हें इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है लेकिन तुम अभी बच्चे हो और तुम सब कुछ नहीं समझ सकते. पापा थिंक्स द नाजीज माइट कॉज अस मोर बोदर इफ दे न्यू दैट ही हैड गोन. वो बताती है कि तुम्हारे पापा ये सोचते हैं अगर नाजीज को ये पता चल गया कि हम यहाँ पर हैं और तुम्हारे फादर जा चुके हैं तो वो हमें परेशान कर देंगे, बोदर कर देंगे. सो ही डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट. अब वो बताती है कि अब हमें इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है. नाउ आर यू गोइंग टू डू वट ही आस्क और नॉट. अब जो मैंने तुमसे बोला है वो तुम करोगे या नहीं, उनकी मदर इससे बोलती है अपने बच्चों से. Anna said yes, of course she would. Anna बताती है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे. Then Hampi bundled them both off to school. फिर Hampi उनको स्कूल छोड़ के आती है. Anna was worried about what to say if anyone asked her why she was late. But Max said, just tell them mama overslept. She did anyway. तो फिर क्या होता है कि Anna बोलती है, कोई Anna बहुत worried हो जाती है, ये सोचती है कि अगर किसी ने हमसे पूछा हम लेट क्यों हो गए तो क्या होगा. तो मैक्स बोलता है अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे कि आज हमारी मम्मा देर से सोकर उठी थी और उन्होंने बड़ी मुश्किल से ही हमें स्कूल भेजा है. इन फैक्ट नो वन वॉज वेरी इंटरेस्टेड. और सही में क्या था, कोई भी इस बात को जानने में इंटरेस्टेड नहीं था कि उनके फादर कहाँ है. दे डिड हाई जम्प इन जिम एंड Anna जम्प हायर देन एनीवन एल्स इन हर क्लास. अब वो बच्चे जम्प करते हैं तो Anna अपनी क्लास में अच्छे से और सबसे ज्यादा तेज जंप करती है. शी वॉज सो प्लीज अबाउट दिस दैट फॉर द रेस्ट ऑफ द मॉर्निंग शी ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट पापा बीइंग इन प्रेयर. अब वो बड़ी खुश होती है जब वो अगले दिन उठती है और वो ये भी भूल चुकी होती है कि उसके फादर कहाँ पर है, प्रेयर में है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.